सैंस ब्यूटी सैलून के स्पा एरिया में आ गई हूँ और यहाँ पर आपको पता है कि आप सबके फेवरेट फेवरेट ट्रीटमेंट्स होते हैं। सैंस के पास बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं, एक एक करके हम आहिस्ता आहिस्ता आपको बताते भी रहेंगे, लेकिन जो अभी बताने वाले हैं, आज जो बताएंगे उसके हवाले से हमारे साथ सबा मौजूद है। सबा काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट्स के हवाले से बताती भी रहती हैं और आज भी आपको बताएंगी और ट्रीटमेंट्स करती भी हैं। तो ये है कि एक ट्रीटमेंट नहीं है, दो नहीं है, लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स। तो सबा से हम मालूम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, सैंस में इतने सारे ट्रीटमेंट्स हैं, माशाल्लाह फेशियल्स इतने सारे हैं कि हम तो मतलब वो जाते हैं, मिसवराइज हो जाते हैं कि वाओ, कि मतलब कौन सा ट्रीटमेंट कराएं और कौन सा नहीं करवाएं। तो आप पहले तो थोड़े ट्रीटमेंट्स के बारे में, कौन कौन से फेशियल्स आपके पास हैं? हमारे पास गोल्डन फेशियल है, गोल्ड फेशियल और जेंसन है और हाइड्रा फेशियल है, लिफ्टिंग फेशियल है। लिफ्टिंग, हाइड्रा और इसके अलावा नॉर्मल फेशियल है, वाइटनिंग का, क्लेंसिंग वगैरह भी होती है साथ में, जी सब क्लेंसिंग कराने की, जी नॉर्मल क्लेंसिंग भी होती है। अच्छा, आज से जो हम बात करने वाले हैं वो हम गोल्ड फेशियल के हवाले से, ये गोल्ड फेशियल है क्या? लोग इतना सुनते हैं हम गोल्ड फेशियल, ये है क्या? गोल्ड फेशियल के हवाले से ये है कि स्किन के हिसाब से, जैसे देखें हमारे रिंकल्स वगैरह आ जाते हैं फेस में, और उनको रिंकल्स को रिमूव करने के लिए बहुत अच्छा है, स्किन को अच्छा क्लीन रखता है और टाइट्स रखती है, स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन रखता है, अच्छा साफ सुथरा रख देता है। अच्छा, तो ये गोल्ड फेशियल से जो रिंकल्स के हवाले से हम जो बात, क्योंकि वहाँ भी हमें जब भी हम बात करते हैं किसी से भी कि रिंकल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और उसके लिए जो कोई ट्रीटमेंट्स नहीं होते हैं, घर पर खवातीन टोटके यूज़ कर रही होती है लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता उससे, तो ये कि इस ट्रीटमेंट से कितने अरसे बाद फ़र्क आता है, कि बार बार कराना पड़ता है या एक दफ़ा में होता है? नहीं, आपको चाहिए मंथली करवाना चाहिए, हर मंथ में लेना चाहिए फेशियल को, गोल्ड फेशियल को। अगर आप लेंगी, जितना ज़्यादा लेंगी उतना जल्दी आपके रिंकल्स ख़त्म होंगे, स्किन के हिसाब से आपकी स्किन अच्छी ग्लोइंग करेगी और अच्छा सा फेस लुक नज़र आएगा आपका। अच्छा, कोई इसमें क्या कोई स्पेशल कोई प्रोडक्ट होता है गोल्ड का जो यूज़ किया जाता है? जी, बहुत स्पेशल होता है प्रोडक्ट, आपको करके दिखाएंगे हम आपको कि कौन सा वाला प्रोडक्ट इसमें जो है यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा ये बताएगा कि इसका प्रोसीजर उसी तरह ही होता है जिसका बाकी फेशियल्स का होता है या कुछ डिफरेंट होता है? डिफरेंट होता है इनका भी। अच्छा, इसका भी डिफरेंट होता है? जी। क्या क्या डिफरेंस होता है इनमें? डिफरेंस ये होता है उनमें अलग अलग प्रोडक्ट होता है और डिफरेंट हर क्रीम का अच्छा रिजल्ट आता है, और जैसे कि क्लिनजिंग करते हैं हमारी स्किन में से डस्ट निकालती है, पोर्स खुले होते हैं वो बंद होते हैं। अच्छा। उससे ये चीज़ें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, आप खुद करवा के देखिएगा आपको पता चले। रियली? मेरा कब करो? चले आप भी कर देते अभी तो नहीं, अभी तो मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ, कहीं से दिन आराम से आऊँगी और फिर आकर जो है ना ये जरूर करवाना। अच्छा, इसमें जो है क्या लिफ्टिंग भी होती है साथ में या सिर्फ इसमें रिंकल्स खत्म होते हैं गोल्ड में? नहीं, लिफ्टिंग तो नहीं इसमें होती लेकिन फिर रिंकल्स खत्म होते हैं। जी, रिंकल्स। अच्छा, रिंकल्स में होता है कि ड्राइनेस भी बहुत ज़्यादा, तो ड्राइनेस भी खत्म होती है साथ में क्या? जी, ड्राइनेस भी खत्म होती है इसकी। और इसमें जो है कौन कौन से प्रोडक्ट्स बेसिकली यूज़ हो रहे होते हैं, लाइक कोई गोल्ड का कोई गोल्ड शोल्डर तो दिखाएं, कौन सी चीज़ है इसमें गोल्ड के लिए स्पेशली? गोल्ड की ये रहा हमारा, और हमारा स्क्रब है। अच्छा, बहुत अच्छा गोल्ड का, ये गोल्ड का क्लेंजर है। खुशबू कितनी ज्यादा अच्छी है, वाओ जबरदस्त। अच्छा, तो इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिससे इसको गोल्ड फेशियल कहा जाता है? जी। ओके, ठीक है, तो ये जो है गोल्ड फेशियल जो है ये आज करके दिखाएंगे आपको, प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, और जो ख़वातीन देख रही हैं इस वक्त वो जो है ज़रूर सैंस सैलून आए, और यहाँ पर आकर किसी के रिंकल्स हैं तो हम रिंकल्स के लिए ज़रूर ये कहते हैं कि अपनी स्किन का ख्याल रखें, इससे पहले कि आपके रिंकल्स और बढ़ जाएँ,
उसको फ़ौरन से कम करें, और उसको कम करने के लिए आपको जो है सैंस ब्यूटी सैलून आना होगा, और यहाँ पर आकर आपको स्पेसिफिकली ये गोल्ड फेशियल ज़रूर कराना है। मैं एक बार फिर बता रही हूँ कि गोल्ड फेशियल आपने ज़रूर करवाना है। जब आप गोल्ड फेशियल कराएंगे तो आपको पता है कि वैसे ही वो खूबसूरती भी आएगी, अच्छे भी लगेंगे, और साथ में ये है कि ये एक दफ़ा नहीं, ये आपको बल्कि सबा खुद आपको बताएंगे, गाइड करेंगे कि कितनी दफ़ा ये फेशियल आपको कराने चाहिए। एक दफ़ा कराना है, दो दफ़ा में, तीन दफ़ा में, और अगर आप रेगुलर कराएंगे तो वैसे ही आपके कहते हैं ना कि एजिंग जो है वो तरह टाइम लगा कर आएगी, टाटा बाय बाय कर देगी। तो उसके साथ ही अभी हम देखते हैं कि गोल्ड फेशियल कैसा होता है और उसका प्रोसीजर क्या है, ताकि आप भी जब आएँ तो आपको अवेयरनेस हो कि मुझे ये वाला ट्रीटमेंट लेना है या कौन सा वाला ट्रीटमेंट लेना है, और अगर गोल्ड फेशियल कराना है तो ये कैसे होगा, तो आप देखिएगा। गोल्ड फेशियल हम स्टार्ट करने लगे हैं, और इसका पहले हमने लिया है फेस क्लींजर। ये क्लीन होता है, इससे स्किन जो बाहर से आ रहा होता है, डस्ट वगैरह स्किन पर होती है, तो ये इसको रिमूव करने के लिए होता है। तो इसको हम पहले करेंगे, उसके बाद हम दूसरा स्टार्ट लेंगे। तो अब हम ले रहे हैं दूसरा स्टेप, और दूसरा स्टेप ये होगा क्लींजिंग, डीप क्लींजिंग। डीप क्लींजिंग इसलिए करते हैं हम, जो डस्ट वगैरह होती है इसको पहले रिमूव कर दिया है, जो हमारा फेस वॉश था इसका, इसके बाद हम डीप क्लींजिंग इसलिए करेंगे कि स्किन पे जो पोर्स वगैरह होते हैं, मेकअप वगैरह जो हुआ होता है, वो इसको और नीट करता है। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इसलिए हम शॉर्ट शॉर्ट बता रहे हैं आपको। 5 से 10 मिनट की ये क्लींजिंग होती है। तो अब हमारी क्लींजिंग ख़त्म हो चुकी है। तो थर्ड स्टेप हमारा ये स्क्रब है। स्क्रब इसलिए हम यूज़ करते हैं कि जिसके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स होते हैं, जो डेड सेल्स होते हैं, उसको रिमूव करने के लिए होता है स्क्रब। तो हम देख रहे हैं अभी थर्ड स्टेप होता है स्क्रब का। स्क्रब को बहुत हल्के हाथ से करते हैं, क्योंकि इसके अंदर रिम्स होते हैं, इस वजह से इसको बहुत हल्के हाथ से करना होता है, और एक्ने की स्किन पर स्क्रब स्क्रिप कर देते हैं हम। जी, थर्ड स्टेप कंप्लीट हो चुका है, अब हम करेंगे स्टीमर। तो फोर स्टेप हमारा स्टीमर है। स्टीमर हम इसलिए ले रहे हैं कि ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स जो हैं वो आराम से रिमूव हो सकें। तो ये देखें आप, एक्नी वाली स्किन है, इनकी स्किन देख सकते हैं आप, इतनी एक्नी हो रही है इनकी स्किन पे, वाइट हेड्स है, ब्लैक हेड्स है, तो ये स्टीम से आराम से रिमूव हो सकते हैं। ये देखें, हमने जो स्टीम दिया था इससे वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स इनके रिमूव करे हैं, और काफ़ी फ़र्क आया है। और अब हम लगाने जा रहे हैं टोनर। टोनर इसलिए लगता है कि स्किन के जो पोर्स वगैरह वो होते हैं, उसको लॉक करता है, जो पोर्स ओपन हुए हैं ब्लैक हेड्स से, अब ये इसको लॉक करेगा टोनर। अभी हमने टोनर लगाया है, टोनर को लगाने के 5 मिनट तक छोड़ना होता है, ताकि वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाए। रिमूव कर रहे हैं अब इसके बाद होगा हमारा मसाज क्रीम। तो अब हम ये ले रहे हैं मसाज क्रीम। मसाज क्रीम हम इसलिए करते हैं कि बॉडी पे बहुत ज़्यादा थकन सी होती है, रेस्ट नहीं मिलता हमें, तो उसको रिलैक्स करने के लिए हम मसाज देते हैं। मसाज के और स्किन भी इससे काफ़ी सॉफ्ट होती है, तो मसाज इसलिए देते हैं हम कि बॉडी आराम से रिलैक्स हो जाए।
हो चुका है हमारा मसाज, क्योंकि मसाज अभी हमारे पास टाइम नहीं है। वैसे तो पूरा फेशियल 45 मिनट्स का होता है, पर अभी हमारे पास टाइम नहीं तो हम जल्दी दिखा रहे हैं। इसके बाद हम मास्क लगाएंगे, गोल्ड का मास्क लगाएंगे। तो हमारा फेशियल अब कंप्लीट हो चुका है और अब हम गोल्ड का मास्क अप्लाई करने लगे। तो अब ये हम मास्क रिमूव करें। इसकी टाइमिंग 10 से 15 मिनट की है और उसे हटाने के बाद काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। स्किन काफ़ी अच्छी होती है, स्किन काफ़ी ग्लोइंग करती है। तो ये देख सकते हैं आप स्किन। ओके, ये फेशियल कंप्लीट हो चुका है। तो हमने आज किया था गोल्ड का फेशियल, तो आप भी आइए गोल्ड फेशियल करवाइए और आपकी स्किन देखिएगा बहुत अच्छी होगी, स्मूथ होगी, जो भी डर्ट्स वगैरह इसमें जो होती है वो सबको रिमूव हो जाएगा। अब हम आए हैं एहतशाम के पास और एहतशाम यहाँ पर सैंस ब्यूटी सैलून में सीनियर मेकअप आर्टिस्ट भी हैं और साथ में काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज भी कर रहे हैं ये पूरे सैंस ब्यूटी सैलून में। इनसे थोड़ा मेकअप्स के हवाले से जानेंगे कि ख़वातीन जो हैं वो मेकअप्स जब आती हैं करवाने के लिए तो किस टाइप का मेकअप उनको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और इस्पेशली जो ब्राइडल मेकअप है उसमें वो क्या क्या पैकेजेस क्या मांगती हैं कि किस तरह का उनको दिखना चाहिए, किस तरह का उनको लगना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। अच्छा, हमने एक चीज़ देखी है कि ख़वातीन जो हैं वो बड़ा स्पेसिफाई होती हैं कि हमें ब्राइडल वाले दिन हमें ऐसा दिखना है, हमें ये लुक चाहिए। तो आपके पास जब ब्राइड्स आती हैं तो अपना क्या डिस्कस करती हैं कि उनको लुक किस टाइप का लुक चाहिए होता है, कैसा लुक सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं? अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जब ब्राइड आती हैं तो वो उनके एक माइंड बना कर आती हैं कि मुझे इस टाइप का मेकअप चाहिए और इस टाइप का मेकअप मुझे चाहिए। बहुत से लोग आते हैं कि वो पिक्चर्स लेकर आते हैं कि मुझे इस टाइप का मेकअप लाइक सॉफ्ट मेकअप। हाँ, होता ये है कि कुछ लोग बस लेकर आ जाते हैं, मॉडल्स पिक्चर्स लेकर आ जाती हैं कि वो दिखाती हैं कि मुझे ये मेकअप चाहिए, तो हम उनको सुजेस्ट करते हैं कि आप इससे बेहतर है आप ये मेकअप ले लें, वो ज़्यादा आप पे सूट करेगा। कलर वगैरह पूछते हैं? जी बिल्कुल, कि आपको किस टाइप का लाइट मेकअप पसंद है, जैसे कि लाइट सॉफ्ट लुक चाहिए या ड्रेस की कॉम्बिनेशन के हिसाब से जो उनका आई मेकअप पे सूट वूट करता है उस हिसाब से हम उनको देते हैं मेकअप। अच्छा, अब जिस तरह एक लड़की के सामने कहा कि वो पिक्चर लेकर आ गई हैं, वो पिक्चर लेकर आई हैं तो आप उनको उसके तो दिमाग में वही चीज़ बसी हुई है, बैठ गई है, तो उनको फिर गाइडलाइन कैसे किया जाता है? उनको ये आपने अच्छा सवाल किया, उनको गाइडलाइन कैसे की जाती है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। चूँकि वो बहुत से लोग आती हैं
माइंड फ्रेश वो के एक माइंड जहन में बिठा लिया कि मुझे यही चीज चाहिए और अदरवाइज इसके अलावा और कुछ ड्रीम नहीं, भी देख ड्रीम नहीं, नहीं, नहीं भी बिल्कुल के मुझे उसी हाँ, तो ये हमको फिर समझाना पड़ता है बिल्कुल अच्छे तरीके से उनको समझाना पड़ता है कि आप यही बेशक आप यही लुक लें लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट करवा लें ताकि वो आपके सूट करे आपके फेस के साथ। ठीक है, अच्छा कई खवातीन ऐसी होती हैं कि जिनका बाल जो बहुत घने होते हैं लेकिन उनके दिमाग में एक चीज बैठी हुई है कि हमें एक्सटेंशन तो लगाना है चाहे बाल जितने भी घने हो, तो उनके लिए क्या जरूरी होता है एक्सटेंशन या नहीं होता हेयर एक्सटेंशन? नहीं नहीं नहीं, हेयर एक्सटेंशन उनके लिए जरूरी होता है जिनके बाल नहीं हो, जैसे कि शॉर्ट बाल हो मतलब लेंथ मीडियम लेंथ, तो हम उनको सुजेस्ट करते हैं कि आप ये एक्सटेंशन लगा लें तो इससे थोड़ा आपके पास ना वेट आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा और अच्छा लुक आएगा आपके हेयर में। ठीक है, अच्छा क्या जो है स्मोकी आईज क्या हर एक पर सूट करती है, कोई स्पेसिफिक आईज होती है जिस पे स्मोकी करनी चाहिए? नहीं नहीं, स्मोकी आईज तो हर एक पे सूट नहीं करती है, बेसिकली कुछ आईज होती है जिनके ऊपर बहुत ज्यादा ही मेकअप सूट करता है ना, और आई मेकअप आप स्मोकी आईज कहते हैं वो तो ज्यादा पार्टी वेयर हो गया और बॉल शूट हो गए, फैशन शूट हो गया, उसमें भी शूट करती हूँ। अच्छा, तो और जो गोल्ड आईज हैं वो किस दिन के लिए ज्यादा अच्छी रहती है, शादी वाली में दोनों या किसी एक ज्यादा सूट कर रही है? नहीं, मैं आप वैसे तो वली में ज्यादा सूट करती हैं क्योंकि जो जो होता ये है जो खुशी की कॉम्बिनेशन होती है ग्रे और सिल्वर कलर वो पहन कर आती हैं और ग्रे और सिल्वर हम कर दे तो बहुत ज्यादा वो होते, तो हम उनको सुजेस्ट करते हैं स्मोकी पे थोड़ा टच दिलवाएं ताकि वो अच्छा लुक आए। दैट्स द थिंग ना, यही एक मेकअप आर्टिस्ट की पहचान होती है किस तरह से वो जो है उस चीज को पूरा क्रिएट करके दे। अच्छा, किस तरह के बाल ज्यादातर चल रहे हैं? हम देख रहे होते हैं कि बड़े ड्रामेटिक बाल भी हैं, कहीं पर हम देखते हैं बिल्कुल स्लीक बैक बनाए हुए हैं, मतलब ये बिल्कुल कंफ्यूजन चल रहा है आजकल। आजकल जो वो चाहती है कोई मैसी सा लुक आए और अच्छा सा लुक आए, जैसे कि ज्यादा हैवी भी ना हो और हमारे फेस पे सूट भी करें, जैसे कि ज्यादा एक होता है ना कि बहुत ज्यादा ही हैवी लुक दे दिया कि वो फेस छोटा सा हो रहा है, बाल इतने बड़े हो रहे हैं, वो अजीब सा लग रहा होता है। और इसीलिए इसी नाम हम उनको सेट करते हैं कि आप इसके बजाय कि आप बिल्कुल सॉफ्ट सा लुक ले लें कि हेयर स्टाइल में मतलब जो आपके फेस पे सूट करें उसी हिसाब से आप दे, फिर आप उसी हिसाब से। तो ये जिद करती है कभी? मुझे यही लुक चाहिए, आप कुछ भी करें आप यही लुक दें। अब हम उनको बताते हैं कि नहीं आप इसके बजाय आप ये ले लें, आप उनको थोड़ा सा हम गाइड करते हैं, चूंकि हम बोलते हैं कि शादी तो एक ही बार होगी, गाइड तो वो बोलती है कि मुझे नहीं यही लुक दे, तो हम उनको थोड़ा सा गाइड करते हैं कि आप इसके बजाय तो ये लें, चूंकि आपके फेस थोड़ा छोटा सा है, अगर हम ज्यादा हैवी कर देंगे तो वो अजीब सा लगेगा, तो हम उसको उसी हिसाब से थोड़ा लाइट उनको थोड़ा लाइट करके दे देते हैं। अच्छा, शादी से पहले कौन कौन से ट्रीटमेंट्स बहुत जरूरी होते हैं जिन जो ब्राइड को लेने चाहिए? शादी से पहले जो मैं आपको ट्रीटमेंट बताया वो तो फेशियल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो तो खवातीन में इतने सारे काम होते हैं, घर के अंदर होते हैं, कुछ बाहर के होते हैं, कुछ डिप्रेशन होते हैं, तो हम उनको ये सुझाव देते हैं फेशियल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एक मैनी और पैडी, मैनी पैडी फेशियल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो लेनी चाहिए, और हेयर कट भी है, ट्रिमिंग भी है, वो तो आप स्टिकिंग वगैरह वो एज अ फैशन पे कि अब वो फैशन में लड़की है तो उनको फैशन ज़्यादा अच्छा लगता है तो वो फैशन के साथ भी स्टिक जरूर करें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, और एहतिशाम से बड़ी ज़बरदस्त गपशप रही है। अब हम थोड़ा सा बताएंगे मेकअप के हवाले से भी जो जैन करेंगे, जैन से ज़रा डिस्कस करते हैं कि जैन आज जो मेकअप करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं और कैसा मेकअप करने वाले हैं। आज मैं आई हूँ सेंस ब्यूटी स्टेशन में, मुझे किसी ने रेकमेंड किया था कि यहाँ पर एक बार आना और सर्विसेज लेना अच्छा लगेगा, और मैं जब यहाँ पर आई हूँ तो मुझे वाकई ऐसा लगा कि यहाँ पर सर्विसेज लेना वर्थ इट है। जब मैंने इनके प्राइस सुने तो मैं एक मिनट के लिए शॉक हो गई थी कि वाकई इतने अच्छे सैलून हैं जो इतना वेल डेवलप्ड है और बहुत अच्छी तरह से इन्होंने मेंटेन किया हुआ है और इतने रीजनेबल प्राइस हैं जो मेरे ख्याल से गली महल के जो पार्लर्स होते हैं वो भी इससे ज़्यादा चार्ज करते हैं, और इनकी जो सर्विसेज हैं वो भी वर्थ इट है। मुझे बहुत मज़ा आया, फेशियल लिया मैंने, मैनीक्योर करवाया, पेडीक्योर करवाया, और जो उनका मसाज है उसके बाद हम लोग जो पूरा हफ्ता इतना काम करते हैं, इतनी हैक्टिक हमारी शिफ्ट्स होती हैं, तो यहाँ पर आकर सारी सर्विसेज लेकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया, स्टाफ बहुत अच्छा है, फ्रेंडली है, मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं पहली बार आई हूँ। तो मैं सबको रेकमेंड करूँगी कि जहाँ आप लोग महंगे महंगे पार्लर्स में जाते हैं, सर्विसेज लेते हैं, और उसके बाद आप बहुत फकर से बताते हैं कि हम फलां पार्लर गए थे, वहाँ गए थे, तो एक बार यहाँ पर आए, सर्विसेज लें, आपको यकीनन बहुत मज़ा आएगा, और जो मैं कह रही हूँ आपको उस बात पर यकीन हो जाएगा कि सेंस ब्यूटी स्टेशन आना वर्थ इट है। एक बार आए, आजमा कर देखें, और उसके बाद शायद आप खुद किसी को वीडियो बना कर ये बताएंगे कि यहाँ पर आना चाहिए।
सो इतनी सारी बातों के बाद हम सम अप करेंगे कि यहाँ पर एक बार जरूर आए और मेरी बात माने, आपको यकीनन मजा आएगा। सेंस ब्यूटी स्टेशन AMI ग्रुप ऑफ कंपनीज का प्रोजेक्ट। मेरे साथ जैन मौजूद हैं और हमारे साथ आज की मॉडल भी हैं जिनका ऊपर जैन मेकअप करेंगे और बताएंगे कि कैसा मेकअप अभी करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम जैन, कैसे हो? वालेकुम सलाम, आप ठीक ठाक हैं? आप कैसे? ठीक ठाक हैं, गुड है। ऑलराइट, अच्छा हम जैन से पूछते हैं। जैन, आज आपने देखा माशाल्लाह मॉडल इज सो प्रिटी और इनका जो है लुक बिल्कुल मतलब ब्लॉन्ड हेयर विद लाइक यू नो वीट स्किन, बड़ा एक खूबसूरत एक कॉम्बिनेशन जो है दोनों का है। तो इन पर कैसा मेकअप होगा, क्या आप करने वाले हैं, किस तरह का लुक देंगे ज़रा बताइएगा। देखें, जैसे हमारे मॉडल हैं, हम लोग को पार्टी लुक जाएगा इनको ना, पार्टी मेकअप होगा इनका, तो मैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट से मेकअप करूँगा क्योंकि पार्टी मेकअप हमेशा सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट ज़्यादातर लोग सॉफ्ट नाइट करते हैं, सॉफ्ट से लिपस्टिक होगी, थोड़ा सा ब्लू कलर है, हमारे रॉयल ब्लू कलर है तो थोड़ा सा मैं ब्लू कलर मतलब वो आउटफिट के हिसाब से करेंगे, ठीक है, तो ग्लोसी करूँगा ताकि एक पार्टी मेकअप एक लुक आए। लुक बहुत से सैलून मतलब ऐसा होता है पार्टी मेकअप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पे चल जाते हैं, मतलब कोई ज़्यादा शेड यूज़ नहीं हुआ होता, बिल्कुल मतलब आई इतनी इन्हेंस नहीं होती थी। मेरी मॉडल की आई थोड़ी छोटी है तो मतलब इसको मज़ीद इन्हेंस करने के लिए मैं व्हाइट पेंसिल यूज़ करूँगा, थोड़ा सा यूज़ करेंगे, ठीक है। बेस कैसा देंगे इनको? बेस में बिल्कुल इनकी स्किन टोन के हिसाब से दूंगा, बिल्कुल ना ज़्यादा व्हाइट पे आए ना कि ना बिल्कुल इनकी स्किन टोन पे, क्योंकि सॉफ्ट आ जाएगा पार्टी मेकअप। समझ आता कि इतना ज़्यादा गोरा क्यों कर रहे हैं आप, जितने गोरे हो तो चले समझ आती है, लेकिन अब इतने मतलब आई लव माई स्किन कलर एंड आई लव हर्स, आई लव हर स्किन कलर, मैं कहती हूँ ऐसे स्किन कलर को जो है आपको सिर्फ उसको खूबसूरत बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है बिल्कुल हाँ। मतलब एक केके फेस ना हो, बिल्कुल एक डिस्टेंस से लुक आ रहा हो, बिल्कुल पार्टी मेकअप सॉफ्ट सा जाएगा क्योंकि हर चीज़ में डिस्टेंस हो, मॉडल मेकअप पार्टी में हमारे हर चीज़ में डिस्टेंस है, ऐसे बेस वगैरह में भी ताकि सॉफ्ट से लुक जाएंगे पार्टी मेकअप इस, ठीक है। लैशेज कैसे देंगे? लैशेज भी 3D होंगे, देखिए पहले अब पहले चलती थी मतलब दूसरी, अब जो आगे मजीद आई 3D रही है तो 3D आए तो उसमें बिल्कुल लाइट सी जाएंगी ताकि हैवी ना हो, क्योंकि इनकी आईज ऑलरेडी छोटी है तो उसके थोड़ा से अच्छा लाइट में भी 3D आ गया, पहले कुछ से हैवी में 3D है, लाइट में भी 3D आ गया तो उसमें भी अच्छी लगती है, बिल्कुल 3D है, बिल्कुल सॉफ्ट सी लाइट सी लैशेज लगेगी ताकि हमारे आई मेकअप ज्यादा इनहेंस हो। तो ग्लिटर देंगे या इसको सिर्फ गोल्ड्स में रखेंगे? बहुत लाइट सा ग्लिटर नहीं, बहुत लाइट सा शिमर देंगे, बिल्कुल लाइट सा, क्योंकि पार्टी मेकअप है तो इतनी पार्टी मेकअप में इसमें ब्रेड बनेगी, एक्सटेंशन यूज होगी, कर्ल्स होंगे थोड़ा सा ताकि थोड़े मैसी सा लुक आए, स्टाइलिश आएगा तो थोड़ा सा मैसी सा और इंटरेस्टिंग सा लुक जो है वो अच्छा भी लगेगा। अच्छा, और आपने कहा कि आंखों में आपने जो है वो देना है जरा व्हाइट पेंसिल के साथ इनको देंगे, चीक्स पिंकी रखेंगे या पिंक रखूंगा क्योंकि ब्लू पे ज्यादा थोड़ा सा पिंक ज्यादा कलर उठ, हाँ मतलब डार्क लगने लग जाता है, मतलब हैवी सा एकदम से लुक लगने लग जाता है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा इनको और बाकी तो ये है कि जैसे मेकअप हो रहा होता है अगर कोई 19-20 चीज चेंज हो जाए ये ना कहेगा कि जैन ने ये कहा था तो उन्होंने ये नहीं किया, लेकिन ये कि जब वो ओवरऑल मेकअप हो रहा होता है ना उस वक्त भी आपको थोड़ी बहुत चीजें जो चेंज भी हो सकती है थोड़ा लुक के हिसाब से भी हो सकता है, लेकिन हमने सिर्फ जैन से जाना कि बेसिक लुक आप इनको देख के क्या डिस्क्राइब कर सकते, तो वो हमने डिस्क्राइब किया है, आपने इनका बिफोर देख लिया है तो अभी बिफोर देखने के क्या है और उसके बाद फिर आफ्टर भी आपको दिखाया जाएगा कि आफ्टर मेकअप होने के बाद कैसा लुक आएगा।
अब हम मेकअप स्टार्ट करने लगेंगे, सबसे पहले हम इनको प्राइमर लगाएंगे, सेटिंग स्प्रे। आफ्टर दैट हम इनकी डार्क सर्कल को अच्छे से कवर करेंगे, कंसीलर लगाएंगे। हम अच्छे से डार्क सर्कल को कवर कर लेंगे। हम इनकी आईब्रो फिलअप करेंगे। आईब्रो में हम सब मेकअप आर्टिस्ट का काम करने का तरीका अलग अलग होता है, तो हम कुछ होता है कंसील कराए, किसी के आईब्रो को शार्प लुक आना चाहिए, शार्प आ रहा होता है, इसलिए हम सबसे पहले इनके आईब्रो से स्टार्ट लेंगे। मैं सबसे पहले सॉफ्ट सा कलर उठाया, मैंने इनर पे लगाऊंगा और इसी को ही आउटर पे लेके जाऊंगा, ब्लेंड कर लूँगा। कंसील करेंगे आईब्रो को, आंच के पास उठाएंगे और उसको अच्छे से कंसील कर देंगे। अब हम इनको ब्लेंड कर देंगे अच्छे से, डार्क सर्कल को भी अच्छे से कवर कर देंगे ऊपर के ऊपर। अब हम बेस की तरफ आ जाएंगे, मैं स्टिक यूज़ करूँगा क्योंकि कलर कॉम्प्लेक्शन के मुताबिक। थोड़ा सा हम शिमर लगाएंगे हाइलाइटेड करने के लिए बेस को, ताकि हमारा बेस अच्छे से ग्लो करे। हम इसको फिंगर की मदद से ब्लेंड कर देंगे। अब मैं अच्छे से सेटिंग पाउडर लगा दूंगा भर भर के, ताकि हमारा बेस अच्छे से कवर हो जाए। अच्छे से ब्रश की हेल्प मदद से ब्लेंड कर देंगे और जो भी प्रोडक्ट ज़्यादा है उसको डस्ट आउट कर देंगे।
यहाँ पर हमारा बेस बिल्कुल कवर हो चुका है, पूरा डन हो चुका है। अब हम आएंगे आई मेकअप की तरफ, हमारा फेस हम बिल्कुल लॉक हो चुका है। अब हम आ जाएंगे आई मेकअप की तरफ। अब हम आई मेकअप पे आ जाएंगे। सबसे पहले हम हाईलाइटर से स्टार्ट करेंगे टॉप पे, जैसे हम आईब्रो के आँच से उठाएंगे और यहाँ पे हाईलाइटर लगा देंगे सिल्वर कलर। मैं कलर यूज़ कर रहा हूँ सिल्वर कलर। ब्रश की मदद से लगाएंगे और फिंगर से ब्लेंड कर देंगे। Then I'm using eyeshadow, matte eyeshadow. इसको inner contour पे एक soft सा look देने के लिए मैं एक light सा soft सा color use करूँगा और इसको blend कर दूँगा। अच्छे से आई शेडो लगा दिया, अच्छे से ब्लेंड कर दिया। अब मैं लाइनर लगाऊंगा बिल्कुल सॉफ्ट सा और बिल्कुल लैश लाइन पे लगाऊंगा लाइनर लैशेस के लिए। बिल्कुल सॉफ्ट से लाइन दूंगा फिर लैशेस लैश लगाने के लिए। आफ्टर दैट फिर मैं मस्कारा लगाऊंगा और अच्छे से एडहेसिव लगा के लैशेस लगा दूंगा। हम आईलैशेस लगा देंगे। बहुत लाइट सी चिक पे मैं हल्की सी कंट्रोलिंग करूंगा क्योंकि मेरी मॉडल को कंट्रोलिंग की जरूरत नहीं है। फिर भी हल्की सी लुक देने के लिए क्योंकि मॉडल को लुक मेकअप को लुक कंट्रोलिंग बगैर नहीं आता। बिल्कुल लाइट सी सॉफ्ट सी कंट्रोलिंग लुक में शेड दे रहा हूँ। बिल्कुल लाइट से ब्राउन कलर यूज़ किया है। फोरहेड कवर करूँगा अच्छे से। ये जो हमने जो प्रोडक्ट लगा कर रखा था प्रोडक्ट को हम अच्छे से डब्स आउट कर देंगे। ऊपर देखिएगा बॉटम आइज में हम एक सॉफ्ट सा कलर पिंक कलर यूज़ करेंगे मैट आई शेडो। उसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। वाटर लाइन में हमने वाइट पेंसिल यूज़ की है, अच्छी तरह से हमने वो लगा के उसको स्टे कर दिया। अब हम वाटर लैशेस में मस्कारा लगाएंगे अच्छे से। हाइलाइटर लगाएंगे हम चिक्स पे। हाइलाइटर एरिया में हाइलाइटर लाइन डाल के उसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। हमारा मेकअप डन हो चुका है। अब हम चलेंगे स्टाइलिंग की तरफ। आज का शो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हमने आज सैंस ब्यूटी सैलून के हवाले से आपको बहुत सी चीज़ें बताई हैं और यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त ट्रीटमेंट्स और आपके जो है आपका अपना ख्याल रखा जाता है। बेसिकली सैंस का ख्याल ही ये है कि आपका ख्याल रखा जाए, आपको ब्यूटीफाई किया जाए, आपको खूबसूरत बनाया जाए। और ट्रीटमेंट्स के हवाले से इस तरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, चाहे वो मैनीपैडी हो, चाहे वो हेयर ट्रीटमेंट हो, हेयर कलरिंग हो, हेयर कटिंग हो, मेकअप्स हो, ब्राइडल हो, पार्टी मेकअप हो,
चाहे आपको किसी इवेंट में वैसे ही आपको कहीं जाना हो, आपके कुछ सेमिनार्स होते हैं, आपके डिफरेंट टाइप ऑफ मेकअप्स होते हैं, आप वहाँ पर भी जाने के लिए मेकअप करा रहे होते हैं, हेयर डूज होते हैं, ब्लो ड्राइंग्स होते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप आके करवा सकते हैं। साइंस ब्यूटी सैलून गुलिस्तान जौहर में मौजूद है, और आपको ये भी बताया मैंने कि हर तरह का अच्छा यहाँ पर डिपार्टमेंट है, हर तरह के ट्रेंड यहाँ पर स्टाफ है, फेशियल्स बहुत ज़बरदस्त हैं, आई जस्ट लव्ड इट, क्योंकि आपको एक स्पा एक अच्छा चाहिए होता है, यहाँ पे बहुत अच्छा स्पा मौजूद है जहाँ पर आप अपने अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स अपने आपको रिलैक्स करने के लिए आप ले सकती हैं। तो ख़वातीन से यही कहेंगे कि आएँ और ज़रूर आकर यहाँ पर अपने ट्रीटमेंट्स करवाएँ। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नाज़िया मलिक टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।